नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुजफ्फरनगर जिले के थाना साहापुर क्षेत्र से 4 अवैध शस्त्र बनाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए अभियुक्तों के पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद हुए। थाना साहापुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। SP देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया, जिनके पास से 5 देसी पिस्टल, 2 तवंचे, 2 जिंदा कारतूस एवं भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों से उनके नेटवर्क को खंगाल रही है। प्रेस वार्ता में मौजूद SP देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव व CO बुढ़ाना विनय गौतम ने बताया, पकड़े गए 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जिला मेरठ निवासी व बाकी 3 अभियुक्त मुजफ्फरनगर निवासी हैं। तो देखते रहिए हमारी संवाददाता सौरभ कुमार की एक खास रिपोर्ट। तो एक सुलेमान नाम का अपराधी जो मेरठ का है, वहाँ से ये चुस्से ये ग्राइंडिंग वगैरह का काम करवा करके और ये बना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी कड़ी पकड़ी गई है। सारे पिस्टल बनते हैं, पिस्टल भी बनाते हैं और तमंचा भी बनाते हैं। मांग पे है, जो मांग आ जाए और उसी पे बना देते हैं। सर कब से कर रहे थे काम? ये काफ़ी दिन से कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि पहले कहाँ कहाँ इन्होंने सप्लाई की है, क्या क्या किया है।